गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है ये, 7 जनवरी के लिए है। तो बच्चा अनुच्छेद लिखना है। हम अपनी बात या किसी विषय को कहकर या लिखकर समझाते हैं। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसीलिए संक्षिप्त में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे में, कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह कहना लिखना एक कला होती है, जैसे कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। किसी एक भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए तथा एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए छोटे छोटे वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध कह सकते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है, इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद में घटना अथवा वस्तु का वर्णन संतुलित अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्ति या मुहावरे का भी आप यूज कर सकते हैं। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वही अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद को पूरा लिखा जाता है। ठीक है, एक ही पैराग्राफ को। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग, उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस तरीके से, अनुच्छेद में आप महत्वपूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार, भाव की कुंजी तो आरंभ में रहती ही है, अंत में। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि मन में बना लेने चाहिए। अनुच्छेद के विषय किसी एक पक्ष का वर्णन होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति तथा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो चलिए, किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाई पे समय किसी के लिए नहीं रुकता। मित्र के जन्मदिन का उत्सव, मीठी बोली का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा। तो यहाँ पे आपको किसी भी इनमें से कोई एक छाट लीजिए अपनी मन मर्जी का। ठीक है, तो उस पर अनुच्छेद लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे ऑनलाइन पढ़ाई पे, क्योंकि जो कि आज के टाइम में एक हॉट टॉपिक है जो कि आपका आ भी सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई को सरल शब्दों में इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था कहा जा सकता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने घर में बैठकर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के समय जब सरकार ने समस्त स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था, तो भारत समेत कई देशों में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। इस नई शिक्षा प्रणाली में दूरी और समय के बंधन को बिल्कुल दूर कर दिया है। विद्यार्थी जहां चाहे वहां बैठकर रियल टाइम अथवा रिकॉर्ड लेक्चर की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे तीव्र गति के इंटरनेट का अभाव, मध्यम और निम्न परिवारों के सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन का न होना। शिक्षा के लिए भी पढ़ाने का यह नवीन माध्यम है शिक्षकों के लिए। ऑनलाइन शिक्षा एक उपयोगी क्षेत्र है, हमें इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करें, इसमें सुधार के और अधिक उपाय करने चाहिए तथा इससे और अधिक सुगम बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। इसके अलावा जो और टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से भी आप किसी पे भी अपनी मर्जी से जो है लिख सकते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चांसेस ज्यादा है आने के आपके एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।